स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर, उसके साथ हम जाएंगे घूमने सूरजकुंड पार्क। तो मैं अपने दोस्त के घर आ चुका हूँ। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है ये, देखो वेरी गुड। क्या हाल है? बढ़िया भाई, क्या कपड़े पहन? चलो जो जल्दी चलो। अरे यार भाई जल्दी आ जा, थोड़ा विकास जल्दी आओ भाई, थोड़ा देर हो रहा है, देर हो रही है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देखो यार गाइस, अभी तक आया नहीं, इतनी देर लगा दी। नहीं मैं तो लोंडिया भी तैयार नहीं होती जितनी देर। इट्स हर चॉइस। चलो जल्दी चलो, चलो भाई स्टार्ट करो जल्दी, फटा कब लेना। चलो चलो हम चल दिए हैं यहाँ से गाइस सूरजकुंड के लिए। सूरजकुंड आ चुका हूँ, देखिए यहाँ का नज़ारा। तो हम चलते हैं इस साइड को। ये रहा अर्जुन। अरे भाई क्या हाल है अर्जुन भाई, ये देखो हमारे एक दोस्त मिल गए यहाँ पे लोंडियाबाजी करते हुए, पकड़ा गया। आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मेरठ का सबसे ऊंचा झंडा। देखा झंडा तो है नहीं पर डंडा है ना। ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। गाइस मैं आपको एक और झकास चीज दिखाने वाला हूँ। आपसे एक चीज पूछता हूँ, कमेंट में बताना ये कौन है। गाइस देखो अभी पार्क में आए हुए 5 मिनट नहीं हो और ये सारे थक चुके हैं, बैठ गए बताओ। तान दाढ़ी खेलेंगे यार, थके वके नहीं है भैया। देखो बॉल मिली है इसके साथ, थकना वकना थोड़ी। चलो तो चलो खेलने चल रहे, आओ लो भाई। चलो देखो बच गया, ओ लगी उसकी। देखो कैच दे रहा है भाई, पट सेट शॉट। देखो बॉल की फट गई, सॉरी बॉल फट गई। ये रावण का ससुराल है मेरठ, यहाँ पे एक टाइम पे रावण की बीवी नहाती थी। स्विमिंग पूल था ये हटना, रहती थी यहाँ पे और यहाँ पे नहाती थी। हम उसकी फेवरेट जगह पे आए हैं जहाँ पे वो नहाती थी, खैर तब नहीं देख पाए जब वो नहाती थी, अब देख लें। इस पाइप से सीधा पानी जाता था स्विमिंग पूल में। देखो एक बार आपको फिर दिखाता हूँ यहाँ से, ये है ये, इतना बड़ा उनका स्विमिंग पूल था रावण की बीवी का, पर अकेले नहाती थी। और क्या तुझे लेके नहीं अकेली नहीं। सॉरी। हम जा रहे हैं जहाँ पे रामलीला होती है आपको दिखाने। अब आपने तो देख ही लिया होगा कि रावण की बीवी कहाँ नहाती थी। बहुत थक चुके हैं, पानी पी रहे हैं, देखो हैंडपम्प पे। यहाँ से रावण की बीवी पानी भरती थी और पीती भी थी। तो गाइस यहीं पे होती थी रामलीला, देख सकते हैं आप लोग। अगले साल ये वही घंटी है जो रावण की बीवी बजाती थी पूजा करने के बाद। गाइस ये कुछ कहना चाह रहा है, आओ बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये व्लॉग जय का है या रावण की बीवी का, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बता दिए कमेंट में। अच्छा कह दिया। चलो तो आप बता देना कमेंट में। ओके गाइस अब चलते हैं, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बोले नहीं आया ना? नहीं भाई ने मना कर दिया, बताओ। देख सकते हो बच्चे सब ढूंढ रहे हैं, देखो मिली बॉल, बॉल उड़ा दी है गलती से मैंने, तो बॉल मिल गई। अभी वो भाई आ रहा है छोटा वाला, नहीं मिलते दम देते भाई। मिल गई बॉल, बॉल मिल गई भाई। हेलो गाइस मैंने आपको पूरा सूरजकुंड के बारे में बता दिया, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो भाई जा रहे हो? हाँ भाई हम जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई हम जा रहे हैं, तुम अपने लोंडियाबाजी करो, ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। चलो बाय। Oh,